हाय हाय हाय, बस दो लाइन, बस दो लाइन, बस दो लाइन मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे दोस्त। जिस तरह पतझड़ हुए बिना पेड़ों पे नए पत्ते नहीं आते, जिस तरह पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। आइए दोस्तों, 12th मैथमेटिक्स क्वेश्चन टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अपना भाई का नाम जान लीजिए। मोस्ट वेलकम दोस्तों, मैं गुलशन शर्मा आपके अपने बिहार भागलपुर से, और आप देख रहे हैं गुलशन मैथ स्टडी। और चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड वीडियो मिलता है। सभी डियर स्टूडेंट अपना अपना नोटबुक लेके बैठे है ना? यस सर। ओके गुड बॉय, तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए। करने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए बोला, तैयार हो जाइए पढ़ाई करने के लिए। कैसा लगा मेरा मजाक? तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओके कल सुबह निकलना है ना, तो आज तो आराम से पढ़ाई कर लो। अरे कहना क्या चाहते हो? यही कि आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स, ठीक है, इसे आप नोट कीजिए मेरे साथ। तो मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या है? तो यह बहुत सारे संख्या का एक आयताकार के अरेंजमेंट है, यह बहुत सारे संख्या का एक आयताकार के अरेंजमेंट है, ठीक है, बहुत सारे संख्या के एक आयताकार के अरेंजमेंट है, यानी सजावट है। अरेंजमेंट समझ रहे हो ना, सजावट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो, जैसे बहुत सारा संख्या हम ले लेते हैं, दो लेते हैं, तीन, फोर, सिक्स, नाइन, अपने मन से कोई सा संख्या ले लेते हैं, फाइव, सिक्स, बहुत सारे संख्या, सेवन, नाइन, एट, टू, वन, जीरो, कुछ भी, ठीक है, बहुत सारे हमने संख्या ले लिया, यहाँ पे कुछ भी ले लिया, बहुत सारे संख्या, तो इसी को आयताकार के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे जैसे देखिए, इसको हम क्या करेंगे, आयताकार के फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो कीजिए दो, थ्री, फोर और यहाँ पे सिक्स, ठीक है, और यहाँ पे फिर सेवन, नाइन, एट, टू, और यहाँ पे कोई सा ले लेते हैं नंबर, जैसे टू, और यहाँ पे क्या, थ्री, नाइन, वन, तो इन सभी को हम क्या किया, आयताकार के फॉर्म में अरेंज कर दिया, ठीक है, आयताकार के फॉर्म में, देख रहे हो ना, देख रहे हो, आयताकार के फॉर्म में हम सजा दिया, ठीक है, ये एक आयत बन गया, सजा दिया, तो इनको हम क्या करें, आयताकार के फॉर्म में एक ऐसे सजा दिया, ठीक है, अरेंज कर दिया, तो यही हमारा मैट्रिक्स कहलाता है, समझ रहे हो ना। अब देखिएगा, लुक हेयर, और हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि आयताकार के ही फॉर्म में हो, वर्गाकार भी हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे दो, तीन, चार, और यहाँ पे वन, टू, थ्री, ये तो आयताकार के फॉर्म में आ गया, ठीक है, ये आयताकार के फॉर्म में आ गया, इसको वर्गाकार भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये टू, थ्री, वन, टू, थ्री, फोर, ऐसे भी हो सकता है, कोई सा भी संख्या यहाँ पे रह सकता है, ठीक है, ऐसे भी, या फिर वर्गाकार में भी कह सकते हो, वर्गाकार में, ठीक है, यहाँ पे वर्गाकार में, जैसे टू, वन, तो यहाँ पे वन, जीरो, ऐसे कोई सा भी यहाँ पे संख्या रह सकता है, ठीक है, तो यही हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, डेफिनेशन समझ रहे हो ना, डेफिनेशन हम बोलने जा रहे हैं, आप नोट कीजिएगा, या बहुत सारे संख्या का आयताकार या वर्गाकार के अरेंजमेंट है, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं, अव्यूह कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हो। अब ये क्या कहलाता है, ये हमारा रो कहलाता है, ठीक है, फर्स्ट रो, प्रथम रो, यानी पंक्ति, हिंदी में क्या कहते हैं, रो को हिंदी में कहते हैं पंक्ति, ठीक है, आप नोट कीजिएगा, रो को हिंदी में क्या कहते हैं, पंक्ति, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी, ये सब हमारा क्या, ये सब रो है, लेकिन ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, और ये कितना रो है, ये थर्ड रो है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और ये क्या कहलाता है, ये वाला, इससे वाला डंडा जो है ना, इसे वाला, ये क्या, कॉलम कहलाता है, सी ओ एल यू एम एन, कॉलम, ठीक है, इसको सी वन से डिनोट करते हैं, और ये सी टू हो जाएगा, ठीक है, ये सी टू हो जाएगा, ये सी वन, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, और ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, यहाँ पे सपोज हम ए वन वन ले लेते हैं, ए वन टू ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये वन जो है, ये वाला वन जो है, ये पहले का वन जो है, ये हमारा क्या रो का काम करता है। ये वन जो है ये फिक्स रहेगा, ये सब में वन ए होगा, यहाँ भी वन ए होगा और यहाँ भी वन ए होगा, मतलब ये वन सब में फिक्स रहेगा पहले वाला। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये फर्स्ट रो है, ये वन बता रहा है, यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि ये फर्स्ट रो है। अगर हम सेकेंड रो की बात करेंगे, ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट रो है, ये जो जा रहा है ये पूरे, ये क्या है, ये फर्स्ट रो है। ठीक है, समझ रहे हो डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट रो है। ठीक है, और ये जो जा रहा है ये सेकेंड रो है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड रो देखिए, यहाँ पे वन है तो ये वन होगा, यहाँ वन हुआ, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन, और ये जो आर टू है, मतलब ये सेकेंड जो रो है, सेकेंड पंक्ति जो है ये टू सब में होगा। ठीक है, ए टू हुआ, फिर ए टू हुआ, ए टू हुआ, ए टू, इस तरह सब में होगा। ठीक है, इस तरह सभी में होगा, और डॉट 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 जाते रहेगा, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा, ए एन तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ए एन तक, ए एन तक जाएगा। ये एक दो, ये जो एन है मतलब वन की जगह पे वन तो फिक्स रहेगा, ये वन जो है ना, ये वन जो है यहाँ भी फिक्स रहेगा, क्योंकि वन यहाँ पे फिक्स है, लेकिन ये जो जा रहा है ये वन टू और यहाँ पर क्या थ्री, फिर फोर, फिर यहाँ पे ए वन तो फिक्स है, फिर फाइव, मतलब ये एक दो तीन चार पाँच, ये डॉट 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 कहाँ तक गया, एन तक गया। ठीक है, यहाँ पे टू फिक्स है, ए टू फिक्स है, ए टू, ए टू सब में फिक्स है, तो यहाँ भी टू फिक्स है। अब ये जो गया ये यहाँ पे क्या गया, वन गया, फिर यहाँ पे टू हो गया, यहाँ पे थ्री फोर, फिर ए टू फिक्स है, तो यहाँ पे फाइव डॉट डॉट कहाँ तक, एन तक। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रो कहलाता है, ये सेकेंड रो कहलाता है, और ये थर्ड रो, फिर इसी तरह थर्ड रो हो जाएगा, डॉट 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 हम कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट जो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको ये तो रो की बात हुआ, तो लास्ट में जो जाएगा वो एम तक चला आएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, और ये कौन सा हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, थर्ड, इसी तरह फोर, और यहाँ पे क्या एम हो जाएगा। अब एन यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे एन का हम यूज कर लिया है, तो एम अपने मन से मान लेते हैं। ठीक है, एम अपने मन से मान लिया, तो ये एम वन रो हो गया, और ये तो यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे वन है तो वन सब में फिक्स है, क्योंकि ये पहला रो है, यहाँ पे दूसरा रो है, दो सब में फिक्स है ना, यहाँ भी फिक्स, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी फिक्स, यहाँ भी फिक्स। जब यहाँ पे थ्री हुआ तो यहाँ पे थ्री फिक्स होगा, तो यहाँ पे एम है तो एम फिक्स, तो यहाँ भी एम, ए एम, ए एम, और डॉट डॉट कहाँ तक, ए एम। ठीक है, ये भी फिक्स हुआ। अब यहाँ देखिएगा, और ये जो गिनती चल रहा है ये तो चलिए रहा, एक दो तीन चार पाँच, ये चलिए रहा एन तक, तो यहाँ भी हो जाएगा एक दो तीन चार, यहाँ पे एन तक हो जाएगा। ठीक है, ये हम रो की बात कर लें, ये आर एम हुआ, मतलब एम वन रो हुआ। अब कॉलम की बात करते हैं, कॉलम ये वाला होता है ऐसे सीधा। ठीक है, ऐसे ये क्या हो जाता है, ये पूरे ऐसे जो गिनती है वो कॉलम आ गया, कॉलम आ गया, तो ये सी वन कॉलम हो गया, ये सी टू कॉलम हो गया, ये सी टू कॉलम हो गया, ये सी थ्री कॉलम हो गया, ये सी फोर कॉलम हो गया, और डॉट 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 ये सी क्या हुआ, सी एन कॉलम हो गया, एन। क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें कॉलम में देखना, इसमें कॉलम में जो है ना, इसमें कॉलम में वन फिक्स रहेगा, वन है ना, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में वन फिक्स रहेगा। देखिए ये पहला कौन है, पहला रो का है, ये दूसरा जो वन है देख रहे हैं, ये वाला किसका है, ये रो का है, तो इसमें देखिए सब में वन फिक्स, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन है, फिक्स है ना। फिर यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे टू टू, फिर यहाँ पे होगा तो ए, और यहाँ पे थ्री टू, लेकिन टू यहाँ पे फिक्स रहेगा, ये टू फिक्स है, थ्री है तो थ्री फिक्स रहेगा कॉलम का। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ए आई जे रहता है, तो ये आई किसका है, ये आई डिनोट क्या कर रहा है, ये आई हमारा रो का डिनोट कर रहा है, मतलब आर का रो का, और ये जो जे है ये जे कॉलम का है, मतलब ये पहला वाला जो वन है ये पहला वाला किसका, रो का है, और ये दूसरा जो, ये दूसरा कॉलम बता रहा है, और ये पहला वाला वन रो बता रहा है कि फर्स्ट रो है, और दूसरा वाला दूसरा कॉलम बता रहा है। ठीक है, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, लुक हेयर, अब ये कितना बाई कितना का है, तो ये जो है ना ये एम बाई एन का है, एम बाई एन का है मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये आप नहीं समझ लीजिएगा कि यहाँ पे एम गुना एन है, ये गुना नहीं है, ये
मतलब ये गुना ही है, लेकिन ये टोटल बता रहा है कि m बाई एन जो है ये मैट्रिक्स m बाई एन का है, मतलब टोटल अवयव कितना है, मतलब गिनती 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। सपोज सपोज हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 1 और यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तो ये कितना बाई कितना का है, ये m बाई एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो m हमारा क्या है, m क्या है बताओ, m हमारा क्या है, m रो है, देख रहे हो ना आर में एम लगा हुआ है, एम किस में लगा, आर, तो एम रो है, तो रो कितना है, रो है 1 2, दो ये गुना है R1 R2, तो एम की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर गुना एन कितना है, एन यही है ना, यहाँ पे C1 फिर क्या C2, मतलब ये भी 2 है, तो यहाँ पे एम बाई एन की जगह पे 2 बाई 2 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। फॉर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई सा एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 2 3, तो ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, तो इसमें देखिए रो कितना है, सबसे पहले रो क्या है, यही तो रो है ना ये वाला, तो ये क्या है R1 है, मतलब फर्स्ट रो, फिर और रो है यहाँ पे सेकेंड रो, अब तो नहीं है, तो यहाँ पे R का मान जो कितना हो गया, यहाँ पे कितना टोटल रो कितना है, टोटल 2 है, तो यहाँ पे m होता था, यहाँ पे m बाई n होता है ना, m बाई n होता है, तो m की जगह पे क्या है, m हमारा रो होता है, m रो होता है, ठीक है, तो ये कितना 2 है, फिर यहाँ पे बाई, तो एन एन कितना है, अब एन हमारा कॉलम होता है, देखिए तो यहाँ पे 1 ऐसे 2 और ये ऐसे 3, तो एन जो है मतलब कॉलम जो है कॉलम की संख्या कितना है, 3 है, तो हम इसको अब लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि 2 1 2 और यहाँ पे 1 2 3, ये यहाँ कितना है 2 बाई 3 का मैट्रिक्स है, ये कितना है 2 बाई 3 का मैट्रिक्स है, मतलब 2 दूनी कितना हुआ 6, तो यहाँ पे टोटल संख्या कितना होगा 6, यही बता रहा है, ये टोटल अवयव बताता है, ठीक है, ये हमारा क्या बताता है यहाँ पे कि टोटल अवयव कितना है इस मैट्रिक्स में, टोटल अवयव कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव है, अब कौन कौन संख्या है वो यहाँ पे डिपेंड नहीं है, कि यहाँ पे 2 है 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 2 3, तो ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है, इसमें रो देखिए रो कितना है, 1 रो 2 रो और यहाँ पे 3 रो, तो यहाँ पे m की संख्या कितना है, रो हमारा कितना है 3, और कॉलम कितना है 1 कॉलम 2 कॉलम, तो यहाँ पे 2 कॉलम है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 बाई 2 ये मैट्रिक्स है, 3 बाई 2 का मैट्रिक्स है, मतलब टोटल 6 अवयव होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना 9 3 2 9, इसमें टोटल 9 अवयव होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यही हमारे मैट्रिक्स थे, डिफाइंड मैट्रिक्स, ठीक है, यही हमारे मैट्रिक्स थे, अवयव थे। अब नेक्स्ट क्या, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयव कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, बस प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, मेन प्रॉपर्टीज ये हैं। सपोज अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 0 1 और यहाँ पे 0 1 0, अब इसमें आपसे हम पूछ दें कि बताओ इसमें रो की संख्या कितना है, तो इसमें रो और कॉलम कितना है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें रो कितना है टोटल, तो 1 रो 2 रो, तो इसमें रो की संख्या कितना 2, लेकिन कॉलम कितना है 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो इसमें कॉलम कितना है 3 है, ठीक है, एक आपके लिए दे रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 2, यहाँ पे 1 1 1 1 और यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 2 3, ठीक है, यह 3 है कोई भी नंबर रहे, तो इसमें बताओ आप रो कितना है एंड कॉलम कितना है, ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास यहाँ तक रह लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में लाएंगे प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी पढ़े बिना एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, उसी में सभी ऑब्जेक्टिव छिपे हुए हैं, उसी के अंतर्गत सभी ऑब्जेक्टिव छिपे हुए हैं, अगर आप प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तो सभी ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन भी बनने लगेंगे, खुद से ही बनाओगे, इसीलिए प्रॉपर्टीज वाले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप चेक करेंगे वहां से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और अगर आप 12th मैथमेटिक्स के इनवर्स ट्रिगो फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीडियो देखना चाहते हैं और ट्रिक एंड टिप्स के साथ ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देखें, और अगर आप 12th मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं जैसे डिफरेंशिएशन हुआ और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, तो इसके लिए चैनल के होम प्लेलिस्ट पे जाएं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक करें, वहां पे मिल जाएंगे वीडियो, बने रहें हमारे साथ मैथमेटिक्स वीडियो देखने।